अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय मिनी व्लॉग। तो आज जनाब हम करने जा रहे हैं बाहर डिनर, तो मैंने सोचा कि साथ में एक छोटा सा व्लॉग भी बना लेते हैं। अच्छा जी, ये स्टेक अवे था, तो रिसेंटली ओपन हुआ है ये, और मैंने सोचा कि आज इसको ट्राई किया जाए। अच्छा जी, जो स्टेक था, मतलब जो एम्बियंस था, पहले तो एम्बियंस पर बात कर लेते हैं। इट वॉज़ अमेजिंग, और जो स्टेक थी माशाल्लाह से बहुत ही टेस्टी थी। इनका जो मीट का पीस था वो बहुत टेंडर था। लाइक मैं ऑलवेज प्रेफर चिकन को करती हूँ, लेकिन इनकी स्टेक खाने के बाद अब मैं मीट पे शिफ्ट हो चुकी हुई हूँ। और आप इनके पीसेस देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा फ्रेश और बहुत ही जूसी पीसेस थे। और बिल्कुल आपको खाने में कोई वो नहीं होती कि यार हम मीट खा रहे हैं या हम बीफ खा रहे हैं। तो बस जनाब, जो मैंने ऑर्डर किया था वो था मिगनॉन, जिसमें कि ये साथ में हमारे पास थी बॉन मैरो। और इसके साथ जो स्टेक का मज़ा आता है ना, मैं कहती हूँ लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। तो ये बहुत ही मज़े का, ऊपर से स्पार्क कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि चलो जी इसकी थोड़ी सी हम शूट कर लेते हैं। तो बहुत से लोग जो हैं वो बाहर खाना खाना पसंद नहीं करते, लेकिन मेरे ख़्याल से कि वंस इन अ वीक या 15 डेज़ में एक बार ये ज़रूर होना चाहिए, ताकि आपकी जो घर वालियाँ हैं वो भी थोड़ा रिफ़्रेशिंग फ़ील करें। और यू नो, एक टेस्ट चेंज हो जाता है तो मूड भी चेंज हो जाता है। बाहर निकल के इंसान का वैसे ही बहुत फ्रेश फील करता है। तो बस ये अमेजिंग चीज़ थी। इसको उन्होंने फिर नाइफ़ के साथ जो है वो सारा बाहर निकाल दिया, ताकि ये जो बोन है वो मुझे खाने में डिस्टर्ब ना करे। और आप यकीन करें कि ये बोन मैरो के साथ जो इसका टेस्ट निकल के आता है ना, वो बहुत अमेजिंग होता है। तो बस फिर वापसी हो रही थी, और ये थी जी हमारी खूबसूरत सी जगह जहाँ से हमने स्टेक खाया था। तो मिलते हैं जी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।